রাজ্যে যে সমস্ত বিএড ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবাংলার বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে পরীক্ষা দেবে, তাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা 18 তারিখের পর দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে। রাজ্যে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের পাঠানো চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই বাবা সাহেব আম্বেদকর ইউনিভার্সিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ইউনিভার্সিটির কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন ইতিমধ্যে সংক্রান্ত নির্দেশিকা কলেজগুলিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে কিরণ গিত্তে জানান। উল্লেখ্য, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময়সূচি আগে ছিল 10 তারিখ থেকে 20 তারিখ অবধি। बीस तारीख तक एग्ज़ाम का शेड्यूल है, तो हमने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के साथ हमने संपर्क किया है, उनको लेटर दिया है और हमारे रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये सभी बीएड के एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ये मेन एग्ज़ाम नहीं है, जो कि उनके कॉलेज में होते हैं लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है कॉलेज में, तो कॉलेज को इसकी डेट्स पहले से फिक्स करनी पड़ती है। तो हमने सभी कॉलेजेस के साथ संपर्क किया, वहाँ पे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने सभी कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन एग्जाम्स 18 फरवरी के बाद होंगे, 18 फरवरी के बाद होंगे। तो त्रिपुरा में जो भी हमारे स्टूडेंट है, कुछ संख्या है इनकी और मैंने ऐसा सुना है कि उनके साथ पेरेंट भी जाते हैं, तो चुनाव के समय में उन्हें असुविधा ना हो इसलिए हमने बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है, बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, पहले इसका नाम था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये बीएड का कोर्स चलाते हैं, तो उन्होंने इसको परमिशन दी है। तो मैं सभी बीएड के विद्यार्थी और जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 18 तारीख के बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने ली है आपको इस एग्जाम के लिए। রাজ্যের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্যই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।